जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री यश रूप चरणो शरण अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें? अखिल भारतीय संत मत सत्संग की तरीकत मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूरत, कौन सी सूरत,
कौन सी शक्ल आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है? मूर्ति। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए कि भगवान का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है उसको चुने। उसके बाद किस नाम से आप उनको याद करेंगे उसको भी चुने, मंत्र। तो क्या हुआ, दो चीज़ आपने चुनी, एक अपना इष्ट देव और एक मंत्र। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए, जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन पर बैठे, बड़े प्यार से धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े आराम से बैठिए और बैठने के बाद ये महसूस कीजिए कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। सशरीर भावना से अपने इष्ट को अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, ख्याल से बाई थॉट उसमें इतने लीन हो जाए कि जब तक आप ध्यान करते हैं तब तक और कोई विचार और ख्याल ना आए, पर आएगा। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं, फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुनिए कि हमारे हृदय से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से अपने इष्ट का नाम विद फुल फोर्स जिह्वा से ले सकते हैं। इतना फोर्स उस नाम में होना चाहिए कि ना कोई दूसरा विचार रहे ना ख्याल, उसमें तल्लीन हो जाए, उसी की याद हो, उसी का ख्याल हो, समर्पित भाव से बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को ले। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल, ये दो समय निश्चित कीजिए और आधे घंटे में 20 से 25 मिनट ध्यान को दीजिए। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहेगुरु क्राइस्ट गॉड, वो क्या करें, वो कैसे ध्यान करें? बड़े आराम से बैठिए, बड़े प्यार से। उसके बाद ये महसूस करें कि हमारे हर दिल की धड़कन पर जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है, हृदय ओम ओम कह रहा है, अब पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए और आनंदित होइए। बड़े प्यार से इस काम को करना है। जब भी कोई सांसारिक बात आपके जहन में आए, दिमाग में आए,
उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगे, फिर हटाइए अपने इष्ट देव की याद में लगिए। अगर आज ध्यान करते हुए आपके 100 विचार एक मिनट के अंदर आते हैं तो निश्चित समझिए, अगर ये अभ्यास आप बराबर करते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई विचार आपके आगे नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने साधक की दृष्टि से गीता में 4 बात बताई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग्य। अभ्यास पर बहुत भारी जोर है और सारी जिंदगी हम एक चीज का अभ्यास करते चले जाते हैं और उसकी परफेक्टनेस पर देखते चले जाते हैं। बड़े प्यार से अगर इस तरीके से अभ्यास करेंगे, बड़ी सुंदर स्थिति होगी। जब भी आप अपने इष्ट देव के चरणों में विश्राम चाहेंगे, बड़े प्यार से विश्राम मिलेगा, ना कोई दूसरा विचार रहेगा ना ख्याल, और हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, वो बताती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब विचार हट जाए अपने इष्ट देव के चरणों में, फिर दोबारा उस चीज़ को पकड़े, अपने इष्ट देव को दोबारा अपने इष्ट देव में ध्यान लगाइए। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। जन्म जन्म तक रंग न उतरे ऐसी रंग दे श्याम चुनरिया, श्याम चुनरिया। जन्म जन्म तक रंग न उतरे, रंग न जिस पर चढ़े दूसरा, और न जो फीका पड़ जाए उसी प्यार के रंग में रंग दे। जो दिन दिन दूना गहराए, जिसके रहते ढले न यौवन भार न हो, कभी उमरिया। जन्म जन्म तक रंग न उतरे, हर दर्पण तेरा मुख देखे, हर मुख में तेरी ही छाया, सांसों में वो सिसकी भर दे। निस दिन प्राण रहे अकुलाया, नींद नाए जन्म जन्म तक ऐसा आंजन, आंज दे अखियां। जन्म जन्म तक रंग न उतरे, आज वही धुन छ
छेड़ मधुरतम, जाग उठे यादों का मधुवन, ब्रह्मनादु में ऐसा डूबू टूट जाए माटी के बंधन, सुध ना रहे मेरे तन मन की, ऐसी आज बजा रे बांसुरियां जन्म जन्म तक रंग ना उतरे, ऐसी रंग दे शाम चुनरिया, शाम चुनरिया जन्म जन्म तक रंग ना उतरे। परमात्मा तू ही है बाबा।
अष्टावक्र गीतामृत अष्टदशो अध्यायः शांति पीस। न शांतिम लभते मूढ़ो यतः शमितुमिच्छति धीरस्तत्त्वं विनिश्चित्य सर्वदा शांत मानसः। महर्षि अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, हे जनक, मूढ़ अज्ञानी पुरुष चित्त के निरोध द्वारा शांति प्राप्त करने की इच्छा करता है, इसलिए शांति को प्राप्त नहीं होता है। ज्ञानी आत्म तत्व को निश्चय पूर्वक जानता है, इसलिए शांति एवं किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता और स्वतः ही शांति को प्राप्त किए रहता है। द इग्नोरेंट डिजायर्स पीस थ्रू कंट्रोल ऑफ द माइंड एंड एज सच डज नॉट अटेन इट। द रियलाइज्ड वन नोज द ट्रूथ and is ever of a peaceful mind. Kvatmano darshanam tasya yad drishtam valambate dhirastam tam na pashyanti pashyant yatmanam vyayam। जो अज्ञानी पुरुष है वह प्रत्यक्ष प्रमाणों द्वारा ही जाने हुए पदार्थों को सत्य रूप मानता है, इसी कारण उसे आत्मदर्शन कदापि नहीं प्राप्त होता है। परंतु जो तत्ववेता ज्ञानी पुरुष है वह दिखाई देते हुए पदार्थों को नहीं देखता है, किंतु उसके अंतर्गत कारण शक्ति सर्वत्र चिद्रूप आत्मा को ही देखता है, इसी कारण वह परमात्मा में सदा लीन रहता है। धीरस्य सर्वदा असाव कृत्रिमः। जो अज्ञानी पुरुष शुष्क चित्त के निरोध में हट करता है उसका चित्त कभी निरोध को प्राप्त नहीं होता है। जब वह अभ्यास से उठता है तब फिर उसका चित्त संसार के पदार्थों में फैल जाता है, और जो प्रेम पूर्वक आत्मा में ही रमण करने वाला योगी है एवं जिसका चित्त निश्चल है उसका चित्त सर्वदा आत्मा में ही निरुद्ध रहता है, इसी कारण सर्वदा उसकी सहज समाधि बनी रहती है। वेयर इज कंट्रोल ऑफ माइंड फॉर द डिल्यूडेड वन हु स्ट्राइव्स फोर्सिबली फॉर इट। इट इज ऑलवेज नेचुरल विद द रियलाइज्ड वन हु डिलाइट्स इन द सेल्फ। भावस्य भावकः कश्चिन् किंचिद् भावको अपरः उभाया अभावकः कश्चिदेव में निराकुलः। महर्षि अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, हे जनक,
कोई ऐसा मानता है कि भाव रूप प्रपंच परमार्थ से सत्य है और कोई शून्यवादी कहता है कि सब प्रपंच शून्य रूप है क्योंकि शून्य से ही उसकी उत्पत्ति होती है। परंतु हजारों में से कोई बिरला ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने वाला होता है। नर्त महाराज कहते हैं, द इग्नोरेंट पर्सन डज नॉट रियलाइज एज द लिबरेटेड पर्सन डज दैट द सेल्फ इज अनडिफरेंशिएटेड नॉलेज फ्री फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। द रियलाइज्ड वन इज एवर इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम डिजायर। विषय द्वीपीनो विक्षय चकिता शरणार्थिनः विशन्ति झटिति क्रोडम निरोधय काग्र सिद्धिये। मूढ़ मुमुक्षु विषय रूपी व्याघ्रों को देखकर भयभीत हो जाता है और चित्त की वृत्ति को एकाग्र करने के लिए पहाड़ों की गुफाओं में प्रवेश करता है, परंतु उसका कार्य सिद्ध नहीं होता है। उसकी अंतर्वृत्ति फैलती जाती है और वह हर दिन दुखी होता है। शांति उसको छू तक नहीं पाती। परंतु जो ज्ञानी जीवन मुक्त है, वह विषय रूपी व्याघ्र को उत्तेजित करने वाले पदार्थों को देखकर भयभीत नहीं होता। उसे सर्वत्र अपनी आत्मा ही दृष्टिगोचर होती है। Seeing those tigers, the sense objects, the ignorant seeker at once enters a cave for the attainment of control and concentration. The wise sees only the self everywhere. Nirvasanam harim drishtva tushanim vishya dantinah palayante na shaktaste sevante krit chatvah. वासना रहित पुरुष रूपी सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी असमर्थ होकर चुपचाप हुए भाग जाते हैं और वे संसारी पुरुष ईश्वर द्वारा प्रेरित हुए उस वासना रहित पुरुष को स्वतः आकर सेवन करते हैं। सीइंग द डिजायरलेस लायन दोज एलिफेंट्स द सेंस ऑब्जेक्ट्स आइदर क्वाइटली टेक टू देयर हील्स or if unable to run away, serve him like flatterers. Once free from identification and attachment with the world, he need not shun the worldly objects. Even in the midst of worldly objects, such a one can live freely and happily, quite unaffected. Na mukti karikam dhate nihashko yukta manasaha पश्यन् श्रृण्वन् स्पृशन् जिघ्र नश्न नास्ते यथा सुखम। कि उसको कर्तृत्वाध्यास नहीं है। वह देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ अर्थात लोक दृष्टि से सब क्रियाओं को करता हुआ अपने आत्मानंद में ही स्थित रहता है। ही हु इज फ्री फ्रॉम डाउट्स and has his mind identified with the self, does not resort to practices of control as a means to liberation. Seeing, hearing, touching, smelling and eating as he lives happily and is free from egoism. Vastu shravan matren shuddh buddhir nirakulah nevacharam nacharmodasyam वा प्रपश्यति। ज्ञानी संस्कारी पुरुष सद्गुरु से तत्व ज्ञान को एक बार सुनने मात्र से ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर आत्म तत्व में आरूढ़ हो जाता है। उचित अनुचित कर्मों का भान भी उसे नहीं रहता और कर्म और अकर्म उसको सब बराबर हो जाते हैं, क्योंकि वह सदा आत्मानंद में ही मग्न एवं डूबा रहता है। No sooner does an aspirant of exceptional merit, whose mind has been completely purified, come in contact with a real spiritual master and hears about the nature of the self, the truth dawns upon him.
He does not see what is proper or improper, action or even inaction. Yada yat kartu mayati tada tat kurute rijuha. Shubham vapya shubham vapi tasya cheshta hi balvat. Jis kal mein vah jivan mukt purush shubh karm athva ashubh karm karta hai, वह प्रारब्ध के वश एवं दैव गति से अकस्मात करता है, शुभ या अशुभ बुद्धि द्वारा हट करके नहीं करता, क्योंकि उसकी चेष्टा बालक की तरह प्रारब्ध के अधीन होती है, राग द्वेष के अधीन नहीं होती है. द जीवन मुक्त डज वर्क फ्रीली वट एवर इज असाइंड टू हिम वेदर गुड और ईवल. For his actions are like those of a child. He is devoid of the idea of doer. Swatantriyat sukhmapnoti swatantriya labhate param. Swatantriya nirvritim gachate swatantriyat paramam padam. Swatantrita se, arthat, rag dvesh ki adhinta se rahit purush, सच्चे सुख को प्राप्त होता है एवं अहम भाव की अधीनता से रहित पुरुष आत्मज्ञान आत्मानंद और नित्य सुख को भी प्राप्त होता है. संपूर्ण इच्छाओं से स्वतंत्र पुरुष परम शांति और परम पद को प्राप्त होता है. थ्रू फ्रीडम फ्रॉम ड्यूअलिटी वन अटेन्स हैप्पीनेस. थ्रू फ्रीडम फ्रॉम ईगो वन गोज टू द हाइएस्ट. Through freedom from desires, one achieves peace and reaches the supreme state. Om. Thank you.
जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्री यश रूप चरणों शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्री यश रूप चरणों शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्री यश रूप चरणों शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्री यश रूप चरणों शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्री यश रूप चरणों शरण जय सद्गुरुदेव जय पद शरण श्री यश रूप चरणों शरण शरण
चरणों शरण जय सद्गुरुदेव।
देव जय पद शरणम श्री यश रूप चरणों शरण।